Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to do NCERT exemplar exercise 3.4. As you know, for your board examination 2023-24, ये जो session रहेगा उसके लिए NCERT exemplar और साथ में हम करेंगे previous year questions. आप देख सकते हैं March 2023 का जो exam था, means जो previous exam था, that was difficult. It was not difficult for the teachers. It was difficult if you not practice according to the teachers, right? आपको करना क्या है, जो भी pattern दिया जा रहा है उसके according आपको preparation करनी है. So first you need to revise NCERT exemplar के बाद आपको करना है previous year questions. तो ये पूरी की पूरी series we are providing to you to practice it. So let's come to the question here. The first question we have, graphically solve the following pair of equations. We have some equations here. Equation is 2x plus y equals to 3 and here 2x minus y plus 2 equal to 0. You need to solve it graphically. आपको क्या करना है बेटा, graphically. तो graphically के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले table बनाते हैं, ये x ये y. एक और टेबल बनाते हैं, ये क्या बनेगा x, ये क्या बनेगा y. अब यहाँ से पुट करो, x को जीरो रखो, ये जीरो रखोगे ये पूरा जीरो, y की वैल्यू कितनी आ रही है 6, जीरो पर y कितना आ गया 6, y को जीरो रखो, y को जीरो रखोगे तो 2x किसके इक्वल 6 के इक्वल, 2x अगर 6 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या बनेगी 6 बाय टू कितना होता है 3, ये आ गया जीरो, जीरो पर कितना आ गया 3, राइट. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट इक्वेशन. इक्वेशन इज 2x माइनस वाई प्लस 2, हमें क्या गिवन है 2x माइनस वाई प्लस 2, तो यहाँ से x को जीरो बना दो, जब जीरो बनाओगे पूरा जीरो, माइनस वाई इक्वल टू प्लस 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2, x जीरो तो y कितना आ गया 2. अब y को जीरो पुट करना जरा, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 0, 2x किसके इक्वल आ जाएगा माइनस 2, x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 1. तो यहाँ से हम कह रहे हैं y जीरो होने पर ये कितना आ रहा है आपका माइनस 1, राइट. सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अब हमें करना क्या है, वी नीड टू मेक अ ग्राफ. हम ग्राफ बना देते हैं, ठीक है, चलो बनाओ फटाफट से. हेयर फॉर द ग्राफ वी नीड, क्या जरूरत होती है, एक होती है हमारी x एक्सिस की और दूसरी क्या होती है बेटा y एक्सिस. हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक्सेसिस और वाइज. प्लॉट पॉइंट्स हेयर 1, 2, 3, 4, 5, हेयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट, यही काम दे देगा. एक्स जीरो है वाई सिक्स है, कैसे चलते हैं बेटा एक्स जीरो वाई सिक्स पे, देखो जरा यहाँ खड़े हो जाओ जीरो, तो यहाँ भी नहीं जाना यहाँ भी नहीं जाना, यही खड़े होना है, वाई कितना है 6, तो ऊपर जाएंगे बेटा, अगर नेगेटिव होता तो नीचे आते, ठीक है. नाउ हेयर एक्स कितना है 3, 1, 2, 3, ये आ गया, देखो यहाँ हो ना तो एक्स पॉजिटिव, यहाँ चलो, अब वाई कितना है 0, तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है. नाउ जस्ट ज्वाइन दिस, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, यहाँ लिख देते हैं दिस इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर, नेक्स्ट इक्वेशन हेयर दिस इज एक्स जीरो वाई टू, एक्स जीरो यहाँ वाई कितना है 2, तो दिस इज द पॉइंट हेयर, एक्स जीरो पर वाई कितना है 2. नाउ एक्स इज माइनस 1, एक्स कितना है माइनस 1, वाई कितना है 0, तो दिस इज माइनस 1 एंड 0, ठीक है. अब ज्वाइन कर दो इसको, ये ज्वाइन करके ये बन गया, ठीक है, आपने इसको सॉल्व कर लिया. सॉल्व करके यू हैव इंटरसेक्शन, दिस इंटरसेक्शन इफ यू विल ड्रॉ हेयर केयरफुली, सो इट इज 1,4, 1,4, ठीक है. नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन विद द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. कैन यू सी दिस, क्या आपको दिखाई दे रहा है, वी आर हैविंग दिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है बेटा, तो एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग यू कैन सी दिस ट्रायंगल, है ना, और वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग यू कैन सी दिस ट्रायंगल, ठीक है. आपको क्या करना है, दोनों का एरिया निकालना है, तो फर्स्ट वी नीड दिस बेस एंड दिस परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको मान लेते हैं, इनको नाम दे देते हैं, दिस ए बी सी एंड दिस इज डी. सो वट वी आर डूइंग हेयर, एरिया निकाल रहे हैं ए वन, दिस इज एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, ठीक है, देन ए टू दिस इज एरिया ऑफ ट्रेंगल, ये बड़ी ट्रेंगल ले लेते हैं, इसका नाम है ए और ये डी ई, ए डी ई, ठीक है. नाउ दिस इज हाफ
इंटू बेस, बेस क्या है यहाँ से यहाँ तक, वन और थ्री, वन और थ्री कितना होता है फोर, परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक का। अभी आपने कहा मैम यहाँ पर फोर है ना, तो ये फोर है तो इट मीन्स यहाँ पर भी क्या हो गया आपका फोर। सो दिस हेयर कैंसिल एंड फोर टू जा एट, सो इट इज़ फोर एट स्क्वेयर यूनिट। आंसर कितना आ गया, एट स्क्वेयर यूनिट्स। ठीक है, अब ए टू फाइंड आउट करो, हाफ इंटू बेस, बेस बताओ ये पूरा डिस्टेंस। अब देखो ये जो था पॉइंट टू था और ये जो पॉइंट है वो सिक्स है, तो टू और सिक्स के बीच में कितनी यूनिट हुई, फोर यूनिट, मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वन, देख रहे हो वन, कैंसिल टू, यह आ गया टू वन जा टू, टू स्क्वेयर यूनिट। वी नीड टू फाइंड आउट द रेशियो, हमें तो रेशियो निकालना है, तो इट इज ए वन बाय ए टू, ए वन कितना है एट, ए टू कितना है टू, कैंसिल करो किसके इक्वल आ गया फोर, तो रेशियो इज फोर रेशियो वन। ठीक है, आंसर क्या आ गया, फोर रेशियो वन। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नाउ हियर क्वेश्चन नंबर टू, डिटरमाइन ग्राफिकली द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन वाई इक्वल टू एक्स, थ्री वाई इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एट। बेटा दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए। कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को समझ लो, देखो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ग्राफ में सबसे पहले वाई इक्वल टू एक्स बनाओ, जरा इसके लिए टेबल बनाओ, इसके लिए टेबल बनाओ, सबसे आसान है ना, आसान है, बोलो यहाँ से पुट करो, वाई को ही पुट कर देते हैं, चलो वाई को पुट करोगे, एक्स को मान लो कुछ भी करो दोनों से सेम आएगा। एक्स को वन पुट किया, वाई कितना आएगा वन, एक्स को टू पुट करो, वाई कितना आएगा टू। नाउ वी हैव हियर थ्री वाई इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा थ्री वाई, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज हेयर, दिस इज एक्स दिस इज वाई, वाई की वैल्यू वन पुट करते हैं या जीरो पुट करते हैं, जीरो पुट करते ही थ्री इंटू जीरो जीरो, वन सब्सटीट्यूट करो थ्री वन जा थ्री, वन पुट करते ही आंसर कितना रहा है थ्री। नाउ नेक्स्ट इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू एट, ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस, इसके लिए भी ग्राफ ड्रॉ करो, एक्स वाई, एक्स जीरो है देखो ये जीरो है तो वाई कितना है एट, वाई जीरो है तो एक्स कितना है एट। ठीक है, नाउ वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ, अब हम क्या करते हैं ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। सो हेयर दिस इज जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ठीक है, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, सो नो वरी अबाउट इट, डोंट वरी कि हमारे लाइन कैसी होगी कैसी नहीं। एक्स वन है वाई वन है, एक्स वन है तो भाई यहाँ खड़े हो जाते हैं, वन चलते हैं ये आ गए, वाई वन है ऊपर चलो तो ये पॉइंट आ गया वन वन, एक्स कितना है टू, वाई कितना है टू, देखो एक्स पहले यहाँ से चले फिर वाई ऊपर। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया होता है किस तरह से हम क्या करते हैं ग्राफ को प्लॉट करते हैं, मतलब पॉइंट को प्लॉट करते हैं। नाउ एक्स जीरो वाई जीरो, देखो यही पॉइंट है, एक्स वन, एक्स क्या है थ्री, एक्स क्या है थ्री, वाई क्या है वन, तो ये पॉइंट आ गया, तो दो पॉइंट आ गए बेटा, दिस इज अनदर वन। नेक्स्ट एक्स जीरो वाई एट, एक्स जीरो वाई कितना है एट, यहाँ आ गए एक्स एट, तो पहले यहाँ एट पर आ जाओ फिर क्या है वाई जीरो। नाउ दिस ऑल्सो ये ग्राफ बन गया आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रॉ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय इट, आप देख रहे हो तीनों ग्राफ से, देखो ट्रायंगल तो बहुत सारी बन रही है लेकिन कहता है तीनों ग्राफ को लेके, तो तीनों ग्राफ को लेकर हमारे पास यही ट्रायंगल बनेगी, इसका नाम दे देते हैं ओ, ये दे देते हैं ए, ये दे देते हैं बी, तो ट्रायंगल इज हेयर ए ओ बी। नाउ स्पेसिफाई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, सो कैन यू सी दिस, दिस इज फोर हेयर एंड दिस इज फाइव। ठीक है, आई थिंक फोर के नियर बाय आ रहा है वैसे तो, फोर कॉमा फोर। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है हमारा सिक्स कॉमा टू, ये पॉइंट क्या आ रहा है हमारा जीरो कॉमा जीरो, सो दीज आर द वर्टिसेस, यू कैन फाइंड इट इन द ग्राफ पेपर वेरी इजिली, तो आपको चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। राइट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर थ्री, दैट इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, आपको क्या करना है ग्राफ ड्रॉ करना है, देख रहे हो लीनियर इक्वेशन है बट सिंपल इक्वेशंस है, एक्स थ्री है एक्स फाइव है टू एक्स माइनस वाई माइनस फोर किसके इक्वल है जीरो के इक्वल है। ठीक है, ये सब कुछ गिवन है, तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर,
आपको क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला एरिया निकालना है, ठीक है। फॉर्म बाय द लाइंस, कुछ लाइंस बनाएंगी और साथ में क्या बनाएगी, एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ और लाइंस के साथ क्वाड्रिलेटर बनता है। सो लेट्स मेक इट। यहाँ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ टेबल बनानी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है। सो नाउ पुट हियर एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ जीरो रखोगे तो जीरो माइनस वाई माइनस का फोर इक्वल टू जीरो, माइनस वाई इक्वल टू माइनस का फोर इधर जाएगा तो प्लस फोर, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का फोर, ये आ गया। एक्स जीरो पर वाई कितना आ रहा है, माइनस फोर। अब वाई जीरो पुट करो, ये जीरो पुट किया, ये जीरो पुट किया तो टू एक्स, टू एक्स किसके इक्वल आ गया बेटा, फोर। एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, टू। ये टू है, ये हमारा एक्स टू है, ठीक है। सो हेयर वी आर गोइंग टू मेक ग्राफ फॉर दिस, दिस इज एक्स दिस इज वाई। सो हेयर एक्स इक्वल टू थ्री, देखो बेटा थ्री कहाँ होता है, वन टू थ्री, वन टू थ्री। अब मैम यहाँ भी थ्री होता है, यहाँ भी थ्री होता है, यहाँ भी थ्री होता है, तो बेटा एक लाइन आ जाती है, ठीक है। जो लाइन किस में से पास करे, थ्री में से पास करे, ठीक है, राइट। दिस इज व्हाट, एक्स इक्वल टू थ्री। नाउ दिस इज फोर एंड दिस इज फाइव, सो सेम हियर एक्स को फाइव पुट करना है, तो ये रहा फाइव। मैम यहाँ से एक लाइन को पास करेंगे इसमें से, ये आ गई, ये आ गई एक्स इक्वल टू फाइव। नाउ नेक्स्ट इज एक्स जीरो है, वाई माइनस फोर है, देखो प्लॉट द पॉइंट हियर, एक्स जीरो वाई माइनस फोर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, आ गया ये पॉइंट, ठीक है। एक्स कितना है, टू, और वाई कितना है, जीरो। सो दिस इज हियर, नाउ ज्वाइन दिस, ये ऐसे बन गया, ठीक है, ये बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, ये सीधी लाइन बनेगी, थोड़ा सा इसको स्ट्रेट करना। इट इज हियर टू एक्स माइनस वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या गिवन है आप बताओ। वी नीड टू ड्रॉ द एरिया, वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया, हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, किसका फाइंड आउट करना है, इसका। देखो लाइंस, सबसे पहले लाइंस देखोगे, लाइंस देखेंगे तो लाइंस है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये लाइन है और एक्स एक्सिस साथ में बोला है, तो दिस इज द क्वाड्रिलेटर, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रिलेटर बन गया, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। मुझे इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ दिस इज हाफ इंटू, हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, ट्रैपेजियम है ना, ट्रैपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू दिस डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किसके, हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन एंड देन वी मल्टीप्लाई दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यू कैन से सम ऑफ द साइड्स, है सम ऑफ द साइड्स, ठीक है, ठीक है। लेट्स डू इट, हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल, देखो ये है ना पैरेलल लाइन, देखो एक ये रही और एक ये रही, तो ये कितनी है बेटा थ्री, ये कितनी है फाइव, तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, टू यूनिट का। नाउ सम ऑफ पैरेलल लाइन, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, इंटरसेक्शन निकाल सकते हो आप, ये देखो एक्स इक्वल टू थ्री है, एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना है थ्री, और ये है, तो यहाँ पर हम थ्री पुट करके देख लेते हैं, टू इंटू थ्री माइनस वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, सिक्स माइनस वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो वाई टू आ रहा है, वाई कितना आ रहा है यहाँ पर टू, तो एक जो डिस्टेंस आया वो टू। दूसरा एक्स इक्वल टू क्या है फाइव, और ये लाइन है, ठीक है, जो ग्राफ अगर ठीक है तो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, है ना, ग्राफ से, अदरवाइज आई एम पुटिंग वैल्यू हियर, क्योंकि मैम के पास ग्राफ नहीं है, तो यू जस्ट राइट फाइव टू जर टेन माइनस वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये आ गया वाई की वैल्यू सिक्स, तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, ये डिस्टेंस कितना है सिक्स आ गया, ठीक है। नाउ सॉल्व इट, इट इज टू से टू कैंसिल, सिक्स और टू कितना होता है एट, आंसर इज एट स्क्वेयर यूनिट, ठीक है, आंसर इज एट स्क्वेयर यूनिट, राइट। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, द कॉस्ट ऑफ फोर पेंस एंड फोर पेंस, ओके देयर इज सम मिस्टेक हियर, इट्स अ सिंपल हियर, कॉस्ट ऑफ फोर पेंस एंड फोर पेंसिल्स बॉक्सेस इज रुपीज 100, आपको क्या गिवन है, चार पेन है और चार पेंसिल है, टोटल कॉस्ट कितनी है रुपीज 100। नाउ थ्री टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन इज 15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बॉक्स, फॉर्म द पेयर ऑफ इक्वेशन, आपको क्या बनानी है, पेयर ऑफ इक्वेशन। सो व्हाट वी नीड टू डू, देखो सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ
अ पेन इज कंसिडर रुपीज एक्स इफ बी एक्स रुपीज. नाउ कॉस्ट ऑफ पेंसिल, पेंसिल की कॉस्ट कंसिडर करते हैं, इट इज रुपीज वन. एक एक्स मान लिया, दूसरा क्या मान लिया, वन. अब आप बताओ, अगर आप कह रहे हो कि पेन पेन एक्स रुपीज का है और पेंसिल कितने की है, वाई रुपीज की, ठीक है. नाउ कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. देखो एक पेंसिल 10 रुपए की मान लेते हैं, एक पेंसिल कंसिडर करते हैं 10 रुपए की, तो चार पेंसिल कितने की होंगी, मल्टीप्लाई बाय 10. मैम नंबर को कॉस्ट से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाता है. सेम हेयर आपको पता है चार पेन है ना, तो चार पेन कितने की है, एक पेन कॉस्ट है एक्स रुपीज का, तो चार पेन कितने के होंगे, फोर एक्स के, ठीक है, क्लियर है आपको. यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे पेंसिल की कॉस्ट. पेंसिल कैसे निकालें बेटा, पेंसिल निकालो, पेंसिल है, फोर पेंसिल हैं, कॉस्ट एक की कितनी है, वाई, तो चार की कितनी होंगी, फोर वाई. मैम ये तो हमें पता है, नंबर को कॉस्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कॉस्ट आ जाता है. अब ये जो टोटल कॉस्ट है दैट इज इक्वल टू रुपीज 100, ये टोटल कॉस्ट किसके इक्वल है, 100 रुपीज के इक्वल है, ठीक है. नाउ थ्री टाइम्स, देखो यहाँ लिख देते हैं, थ्री टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन इज 15 मोर द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेंसिल. तो जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे काम कर लेंगे, ठीक है. नाउ थ्री एज इट इज, कॉस्ट ऑफ पेन दैट इज एक्स, कॉस्ट ऑफ पेंसिल इट इज वाई प्लस फाइव, इट इज 3x माइनस वाई इक्वल टू 5, ठीक है. मैंने इसको इक्वेशन एक्स और वाई वेरिएबल्स को एक साथ रख लिया, ठीक है. अब करेंगे क्या यहाँ से, ये देखो ये है हमारा 4 और ये हमारा माइनस 1, ठीक है. एक वेरिएबल सेम बनाना होता है, ये 4 है ना और ये क्या है, माइनस 1, तो मल्टीप्लाई दिस विद द 4. इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई, 4x प्लस 4y इक्वल टू 100, 4 इंटू 3 12x माइनस का 4y, 5 फोर जा 20. नाउ सब्ट्रैक्ट, 12 और 4 कितना होता है 16, 16x इक्वल टू 120, ठीक है, यही बन रहा है आपका. एलिमिनेशन मेथड से करेंगे ना इसको. अच्छा एक मिनट, यहाँ पर 15 मोर था तो यहाँ पर आएगा 15, ये आएगा 60, ये बनेगा 160, ठीक है, राइट. तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 160 डिवाइड बाई 16 दैट इज इक्वल टू 10 रुपीज. यहाँ पर कॉस्ट कितना आ गया, पेन के कॉस्ट कितने आ गए, 10 रुपीज. ना वट अबाउट पेंसिल मैम, बेटा जहाँ पर है एक्स वहाँ पर किसी एक इक्वेशन में इसमें पुट कर दें, यस हाँ सी है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 15, 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 10 माइनस का वाई इक्वल टू 15, 30 माइनस वाई इक्वल टू 15 माइनस वाई इक्वल टू 15 माइनस 30, यहाँ से माइनस वाई इज इक्वल टू आएगा माइनस 15 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 15. मीन्स मैम यहाँ पर पेंसिल की कॉस्ट 15 है और यहाँ पर पेन की कॉस्ट कितनी है, 10, ठीक है. कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, रिवाइज कीजिए इनको, ठीक है. नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर 5. इन दिस क्वेश्चन डिटरमाइन एल्जेब्रिकली द वर्टिसेस. देखो अभी जैसे मैंने फाइंड आउट किया था ना कि अगर कोई भी इक्वेशन आए, ठीक है, तो ये आ रहा है तो इसको एल्जेब्रिकली बताना है कि वर्टिसेस कहाँ होंगी. तो बेटा देखो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगी, एक लाइन दूसरे से इंटरसेक्ट करेगी यहाँ पर, तो वही क्या बनेंगे उनके सॉल्यूशन. तो यहाँ से हमें एक्स और वाई निकालना है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, योर विश. सो दिस इज, लेट कंसिडर, दिस इज फर्स्ट वन, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं और ये थर्ड. तो आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकेंड सॉल्व करो, सेकेंड और थर्ड और फर्स्ट और थर्ड. सो लेट्स टेक हेयर फर्स्ट विद सेकेंड, ठीक है. 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 2x माइनस का 3y इक्वल टू 2, ठीक है. अब आप देखो यहाँ पर y का कोफिशियंट है 1, यहाँ पर y का कोफिशियंट है 3, तो सेम बनाना होता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब आप कहोगे मैम x बनाना था मुझे, तो कोई नहीं बेटा, आप इसको क्या करो, 2 से 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, मतलब अपोजिट. देखो यहाँ 3 है तो इसको 2 से, यहाँ 2 है तो इसको 2 से, ठीक है. यहाँ 3 है तो यहाँ पर ये बोली, ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है. नाउ हियर लेट्स डू दिस 3, सो दिस इज 9x माइनस 3y इक्वल टू 3, 3 जा 9,
इज हियर 2x माइनस में 3y इक्वल टू 2. नाउ चेंज द साइन, माइनस माइनस है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, कैंसिल. 7x इज इक्वल टू कितना आ गया, 7. x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1. x की वैल्यू कितनी आ गई, 1. x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पर कर दे. तो इट इज हियर 3 into x 7 माइनस का y इक्वल टू 3, 3 माइनस y इक्वल टू 3, माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस 3, और यहाँ पर क्या आ गया, 0. y की वैल्यू कितनी आ गई, 0. तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, 0, 1, ये आंसर. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट ईयर. नाउ वी आर टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड, ये दोनों. ठीक है, करो 2x माइनस में 3y इक्वल टू 2 है, यहाँ से 3x माइनस y इज इक्वल टू कितना है, 3. ठीक है, तो यहाँ से बेटा देखो मल्टीप्लाई करते हैं इसको 3 से, तो ये आएगा 2x माइनस में 3y इक्वल टू 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9x माइनस में 3y इक्वल टू 3 3 9. ठीक है, चेंज द साइन, साइन को चेंज करते हैं. साइन को जैसे ही आप चेंज करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस, ये प्लस और ये माइनस. ठीक है, कैंसिल आउट हो गया मैम. ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस का 7x इज इक्वल टू माइनस का 7, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, x यहाँ पर दोबारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है. ठीक है, अच्छा ये दोनों हमने सेम ही ले ली क्या, ओके. यहाँ से वेट करो, ये हम ले लेते हैं सेकेंड और थर्ड. ठीक है, इक्वेशन लेते हैं सेकेंड और थर्ड, अभी ये सोच रहे हैं दोनों सेम कैसे आ सकता है. ठीक है, सेकेंड और थर्ड. So here we are taking the second equation, that is 2x minus 3y equal to 2, and the another one, that is x plus 2y is equal to 8. ठीक है, ये तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 2 से. तो 2x माइनस में 3y is equal to 2, मल्टीप्लाई करो 2 से, 2x प्लस में 2 टू 4y is equal to 8, 2 16, सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस कैंसिल, ये आ गया नेगेटिव, माइनस 7y is equal to माइनस 14, y की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, 14 बाय 7 कितना होता है, 2. ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2. अब इस y को किसी एक में पुट कर दो, इसमें पुट कर देते हैं थर्ड वाले में, तो x प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 8, x प्लस 4 इक्वल टू 8, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4. सो वी हैव इक्वेशन 4, 2. थर्ड जो पॉइंट आया है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो क्या है, 4, 2. नाउ सॉल्व फॉर दिस थर्ड लास्ट वन, लास्ट वाले को सॉल्व करते हैं. So let's do it. It is here x plus 2y equal to 8. ठीक है, दूसरा है 3x minus y equal to 3. तो ये algebraic method होता है, अदरवाइज यू नो ग्राफ तो कैसे ड्रॉ करते हैं वो हमें पता ही है. ठीक है, अब देखो ये 2 है, ये 1 है, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको 2 से बेटा. x plus 2y is equal to 8, 3 3 जा 3 2 जा 6x minus का 2y, 3 2 जा 6, कैंसिल. 7x is equal to कितना आ गया, 14. x इक्वल टू कितना आ गया, 2. x 2 है, यहाँ पुट करता हूँ, 2 प्लस 2y इक्वल टू 8, 2y इक्वल्स टू 8 माइनस 2 6, y इक्वल टू कितना आ गया, 3. तो क्या आ गया, 2, 3. वी हैव 3 पॉइंट्स है, 0, 1, 4, 2 एंड 2, 3. एक ट्रैंगल बनेगी और ट्रैंगल के वर्टिसेस हमने निकाल दिए 0, 1. आप ग्राफ के अकॉर्डिंग वैसे बना सकते हो, मैंने सिंपली इनको बना दिया. ठीक है, थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, राइट. Now this next question we have, Ankita travel 14 km to her home. Achha, this question is not even syllabus, actually this is speed question and this is substitutional method jo hai wo hoga, but wo ye aapka syllabus banega, sorry for this. Now this is the question. Here we have this ninth question is also. ये देखो digit का question है, ये आपके syllabus में है. Question number 9. A two digit number is obtained by either multiplying the sum of digit by 8 and subtracting 5, or by multiplying the difference of digit by 16 and then adding 3. देखो बेटा question को समझो और करते जाओ, बहुत ईजिली सॉल्व होगा, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना इसमें. देखो कोई भी नंबर किससे मिलके बनता है, किससे मिलके बनता है, यूनिट डिजिट से. तो लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स, मान लेते हैं यूनिट डिजिट क्या है, एक्स है. ठीक है,
और टेंथ डिजिट कंसिडर कर लेते हैं, कितना होगा वाई, ये कितना होगा हमारा वाई। नाउ नंबर विल बी, नंबर क्या होगा, देखो आप कह रहे हो 72 बनाना है मैम, तो 7 × 10 + 2 बेटा। आप कह रहे हो मैम 51 बनाना है, तो 5 × 10 + 1 बेटा। मतलब मैम टेंस को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो टेंस हमारे पास वाई है, तो 10 को किस मल्टीप्लाई किया वाई से, और कितना ऐड कर देते हैं 1, 1 मतलब वंस डिजिट। तो वंस डिजिट क्या है हमारा एक्स, यूनिट डिजिट एक्स है, यहाँ रख दिया एक्स, ठीक है। नाउ हियर, नाउ हियर, नाउ हियर नंबर वी है, नंबर तो आ गया, ठीक है, डिजिट भी आ गए। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहता जा रहा है, जो जो कह रहा है उसको सॉल्व करते जाओ। तो फर्स्ट व्हाट इज गिवन हियर, अ टू डिजिट नंबर इज ऑब्टेन, एक दो डिजिट का नंबर कब मिलेगा आप बताओ, कब मिलेगा ये, कब मिलेगा फर्स्ट, बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट बाय 8, या तो सम ऑफ डिजिट लो, सम ऑफ डिजिट क्या आएंगे बेटा एक्स प्लस वाई, उनको मल्टीप्लाई करना है किससे 8 से, एंड देन सब्ट्रैक्ट 5। एक तो ये कहता है कि ये जो डिजिट है वो तब मिलेगा जब सम ऑफ डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई करोगे और 5 सब्ट्रैक्ट करोगे। दूसरी चीज ये क्या कहता है, यही जो नंबर है 10y + x है वो तब भी मिलेगा, वो तब भी मिलेगा अगर मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट, मैम डिफरेंस ऑफ डिजिट तो लेट हियर एक्स माइनस वाई ले लिया, उसको किससे मल्टीप्लाई करें 16 से, और ऐड कितना करें 3, ठीक है बेटा। नाउ सॉल्व दिस, 10y + x = 8x + 8y - का कितना 5, ठीक है, यहाँ से y को y की तरफ ले जाओ, 10y - 8y + x - 8x = - 5, ठीक है, इट्स 2y - 7x = - 5, ठीक है, ये आ गया आपके पास। नाउ द नेक्स्ट इज हेयर, इट्स 10y + x = 16x - 16y + 3, 10y + x - 16x + 16y = ये आ जाएगा 3। सबट्रैक्ट करो 10y और 26, कितना आ जाएगा 26, प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, जस्ट अ मिनट, -y + 3, ठीक है, तो ये आ गया आपका माइनस का 6x, देखो ये आ गया 10 और 16, कितना बनेगा 26y, और ये बनेगा माइनस का 15x = 3, ठीक है। सो नाउ यू कैन यूज एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ और इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है। नाउ हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस वन यू कैन सॉल्व बाय एलिमिनेशन, आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट, अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बहुत अच्छे से समझो इसको। क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक रेलवे टिकट है, ठीक है, अब ये रेलवे टिकट कैसा है समझो, कॉस्ट हाफ द फुल फेयर बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर सेम ऑन अ हाफ टिकट, ठीक है। देखो अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट, जो हाफ टिकट की कॉस्ट कितनी है, क्या कह रहा है कितनी है ये, दिस इज हाफ द फुल फेयर, फुल फेयर का हाफ कर दो, ठीक है, बट अगर आप रिजर्वेशन का चार्जेस लेते हो तो वो सेम है, क्या है सेम, हाफ टिकट के लिए फुल फेयर का हाफ करना है, रिजर्वेशन चार्जेस के लिए क्या करना है सेम चार्जेस लेना है। वन रिजर्व्ड क्लास, एक तो रिजर्व क्लास है और दूसरी क्या है हमारे पास, हाँ यही है, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट, वन रिजर्व्ड है और क्या है फर्स्ट क्लास टिकट है। तो कैसे करें बेटा, सबसे पहले मान लेते हैं, लेट दी कॉस्ट ऑफ फुल टिकट
इज इक्वल टू एक्स रुपीज, मान लिया कितना है एक्स रुपीज, ठीक है। अब यहाँ से कंसिडर करते हैं जो रिजर्वेशन चार्जेस हैं, वो मान लेते हैं कितने हैं हमारे पास कॉस्ट ऑफ फुल एंड हाफ, पहले फुल का भी मान लो, हाफ का भी यही है ना, हाफ का मान लेते हैं कितना है वाई, ठीक जो भी है उसका हाफ हो जाएगा, तो एक्स वाई जो भी है उसका क्या हो जाएगा, फुल फेयर का हाफ करना है तो एक्स वाई। अब रिजर्वेशन चार्जेस बताओ, रिजर्वेशन चार्जेस मान लेते हैं कितने हैं वाई रुपीज, ठीक है, और हाफ टिकट वाले के लिए भी कितने हैं वाई रुपीज, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? देखो जब भी टिकट लेंगे तो अगर सिर्फ टिकट ले रहे हैं तो एक्स रुपीज आएगा, लेकिन हाफ टिकट लेंगे तो एक्स वाई टू आएगा। अब रिजर्वेशन अगर करवा रहे हैं तो वाई चार्जेस आएगा, वाई रुपीज आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स डू दिस, चेक करते हैं क्या क्या कंडीशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस फर्स्ट इज क्या गिवन है बेटा, देखो समझो क्वेश्चन को, वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट। तो देखो पहले टिकट लिया फुल टिकट दैट इज एक्स, साथ में उसका रिजर्वेशन करवाया तो क्या है भाई, और टोटल अमाउंट हो गया 2530, ये आ गया समझ में, ठीक है। अब ले लो केस टू के अकॉर्डिंग वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास, एक तो रिजर्व क्लास है, रिजर्व का क्या है एक्स प्लस वाई मैम, दूसरा वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास हाफ टिकट, रिजर्व्ड मतलब वाई रुपीज लगेंगे मैम, हाफ टिकट लिया है तो बेटा एक्स वाई टू लगेगा, और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 3810, ठीक है। मान लो आप जा रहे हो और आपके पेरेंट्स जा रहे हो, तो आपका हाफ टिकट कंसिडर कर लो एक्स बाई टू, ठीक है। अब रिजर्वेशन करवाया तो वाई रुपीज तो लगेंगे ही लगेंगे। नाउ हियर यू नीड टू ऐड देम, एक्स वन और एक्स बाई टू कितना होता है 3x/2, वाई प्लस वाई कितना बनेगा 2y, इट इक्वल टू 3810, ठीक है। दोनों इक्वेशन है उनको सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2530, और ये आ गया 3x/2 प्लस में 2y इक्वल टू कितना 3810। नाउ इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट एक एल्सियम ले लो, ठीक है एल्सियम ले लो, तो ये आ जाएगा हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो इसको 2 से, 0 टू इन 2 1 0 1, ठीक है। नाउ दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड, तो बेटा देखो यहाँ पर 1 है यहाँ पर 3 है, तो मल्टीप्लाई दिस, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक बनाना है सेम कोई भी बना दो, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट इज हेयर 4x प्लस 4y इक्वल टू, ओके दिस इज आई थिंक नाउ नो ना, और इसको 4 से करेंगे तो 4 0 0 4 12 2 1 4 20 21 2 4 8 और 9 10, ठीक है। एक इक्वेशन आ रही है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू किसके इक्वल 7 6 2 0, लेट्स सबट्रैक्ट इट, माइनस 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 कैंसिल, ये आ गया x किसके इक्वल माइनस का 2500, x की वैल्यू आ गई 2500, x आ गया हमारे पास, x की वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, ये आ जाएगा 2500 प्लस इसमें पुट कर दें y इक्वल टू 2530, y की वैल्यू आ गई आपके पास 2530 माइनस 2500, ये आपके पास आ जाएगा कितना 30 रुपीस। तो रिजर्वेशन के जो चार्जेस हैं वो कितने हैं 30 रुपीस, ठीक है क्लियर। और दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, आप इनको रिवाइज कीजिए, आपको दिख रहा है कि बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है। सो टेक केयर, बाय बाय।